गुड मॉर्निंग. सो इट इज़ आर सेकेंड लास्ट डे इन मलेशिया एंड आज वी आर प्लानिंग टू डू अ डे ट्रिप टू अनदर सिटी कॉल्ड एज मलक्का. Currently at the TBS, ये यहाँ का बस स्टेशन है. बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे. बकायदा आई हैव गॉट माई बोर्डिंग पास ऑल्सो टू बोर्ड द बस. जो बस है वो हमको मलक्का 2.5 hours में पहुँचा देगी और दोनों जनों का मिला के सिर्फ 24 ringgits वन वे की हमारी जर्नी पड़ी है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 250 ringgits. तो जो डिस्टेंस है सिटी सेंटर से TBS बस स्टेशन का वो अप्रॉक्सीमेटली 9 kilometers का है एंड ग्रैब ने मुझे उसके लिए 14 ringgits चार्ज किए. सो ओवरऑल इन जस्ट 38 ringgits आई एम एबल टू गो टू मलक्का विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. यहाँ से मलक्का के लिए हर घंटे की बस चलती है, तो जो अभी हमारी बस है वो 8 बजे चलेगी. Boarded the bus and it will take about 2-2.5 hours to reach Malacca. So in 2 hours हम लोग Kuala Lumpur से Malacca आ गए. अभी हम लोग Malacca बस सेंट्रल पर ही है और मैंने वापस से Kuala Lumpur की शाम की टिकट भी खरीदी. बोर्डिंग पास भी मुझे मिल गए और मैंने शाम की 7 बजे की वापस से बस बुक करी है जो मुझे TBS ही छोड़ेगी Kuala Lumpur के बस स्टेशन पे. और मुझे इन दोनों टिकट्स का प्राइस पड़ा 26 ringgits. और Kuala Lumpur से 2 cities है जो आप इजीली एक डे ट्रिप में कवर कर सकते हो. पहली है मलक्का और दूसरी है Kuala Selangor. मलक्का में हमारा पहला स्टॉप है तामिंगसारी रिवॉल्विंग टावर एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क्स इन मलक्का. ऑब्जर्वेटोरी टेक और ये घूमते घूमते दिस विल टेक अस एट द टॉप एट अ हाइट ऑफ अबाउट 80 meters. बहुत जल्दी खत्म हो गए ना, पर अच्छा एक्सपीरियंस था. ऐसे पता भी नहीं लग रहा कि आप ऐसे ऊपर घूमो. अच्छा था. Got done with the Tamingsari revolving tower का ride. So basically ये जो tower आपको मेरे पीछे दिख रहा है this is the Tamingsari tower और इसके top पे ये जो observatory deck होती है ये revolving है, तो ये नीचे आती है. आप इसमें बैठते हो और फिर ये ऊपर revolve होते होते जाती है और ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में takes about 7 minutes. घूमते घूमते you can enjoy the complete 360-degree aerial view of the city of Malacca. यहाँ से सेंट पॉल्स चर्च और फार्मोसा और मलक्का सी वगैरह बहुत सारी अट्रैक्शंस दिखती है एंड देन आफ्टर 7 minutes इट कम्स डाउन अगेन. तो ये जो पूरी एक्टिविटी है इसका प्राइस है 23 Malaysian ringgits पर पर्सन फॉर द फॉरेनर्स. बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स वगैरह चॉकलेट्स शॉप्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी. एंड ऑनेस्टली मुझे मलक्का में सबसे सस्ता सामान मिला. मैंने Kuala Lumpur की भी सारी स्ट्रीट्स चेक करी, चाहे वो चाइना टाउन हो चाहे लिटिल इंडिया हो, पर मुझे मलक्का में आके सामान थोड़ा रीजनेबल लगा. तो हमारी अगली डेस्टिनेशन है पेंटिंग ए फामोसा मलक्का. जो
जो फोर्ट्रेस आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज़ ओनली आर नेक्स्ट स्टॉप. सो दिस फोर्ट्रेस वॉज बिल्ट बाई द पोर्चुगीज और दिस फोर्ट्रेस इज एक्चुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द हिल ऑफ द सेंट पॉल्स. इसमें ऊपर तक जा सकते हैं हिल के. सो लेट्स सी हम वो जाते हैं कि नहीं, बिकॉज इतनी तेज़ धूप है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है ऑनेस्टली. और ये जो फोर्ट्रेस है इट हैज़ अ यूरोपियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. स्टेयर्स क्लाइंब करके वी विल गो एट द टॉप ऑफ द हिल जहाँ से यू कैन ऑल्सो सी द सेंट पॉल्स चर्च. और ये स्टेयर्स ज़्यादा स्टीप नहीं है, एटलीस्ट बाटू केव से तो आधी स्टेयर्स है. और यहाँ पे जो रिक्शा है इनको त्रिक्शा कहते हैं और काफ़ी कलरफुल रिक्शा होते हैं. पर इनमें बैठने का दे चार्ज यू 50 रिंगिट्स, पर वो एक घंटे की प्राइस होती है और ये गवर्नमेंट ने ही प्राइस डिसाइड करी भी होती है. और इस एक घंटे में दे टेक यू टू ऑल दी यू नो फेमस लैंडमार्क्स. दे विल शो यू दी फेमस चर्च, दी फेमस इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग. और जब आप इनमें बैठोगे तो दे विल ऑल्सो प्ले म्यूज़िक और कई कई लोग तो बॉलीवुड म्यूज़िक भी चला रहे हैं. Going in the Christ Church Malacca. ये यहाँ की सबसे पुरानी चर्च है. It was constructed back in 1753. And see how lively the area is. रात में this street is beautifully lit up with all the fountains and everything. Victorian fountain and the Tan Bang Swin clock tower. So this is the Malacca river. इसमें बोटिंग भी होती है. मैं एक बार प्राइस पूछती हूँ कि क्या है चार्जेस बोटिंग करने का. और इतनी खूबसूरत सी लेन बना रखी है और यहाँ पे बिल्कुल सामने इतने कलरफुल रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं. अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है दैट वी आर नॉट एबल टू इन्जॉय दिस प्लेस कम्प्लीटली. पर शाम में आई एम श्योर दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुली लिट अप. Got the tickets for the cruise ride. और ये जो cruise है हर आधे घंटे में होती है और अभी 3 बज रहा है. तो जो cruise अब होगी that will be at 3:30 PM and जो इसकी ticket की price है that is 30 Malaysian ringgit per person for foreigners. Enjoying. It is called as the Jonker Street. जैसे Kuala Lumpur में जालन आला और पेटनिंग और कस्तूरी वॉक है, वैसे Malacca की Jonker Street सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. और रात में यहाँ पर पूरी जगह लैंटर्नस वगैरह सो ब्यूटिफुली लगता. इट्स अ वेरी हैपनिंग स्ट्रीट. बट द ओनली ड्रॉबैक इज कि वेजिटेरियन फूड ऑप्शन भी आपको यहाँ पर बहुत कम मिलेंगे. मिलेंगे तो फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे. सो मेक श्योर टू कैरी सम स्नैक्स इन केस इफ यू आर अ वेजिटेरियन. क्वाला लंपुर से सिर्फ 2 घंटे के डिस्टेंस पे पड़ता है ये अमेजिंग सा स्टेट Malacca.
और मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप जब भी मलेशिया आओ इस जगह को तो 100% चेक करो। छोटी सी जगह है और जो मलक्का का सेंटर है वहीं पे सारे अट्रैक्शंस हैं, चाहे वो मेन डच स्क्वायर हो, फार्मोसा है, रिवॉल्विंग टावर, और बिल्कुल डच स्क्वायर के सामने जो मलक्का रिवर है उस पर क्रूज बोट वगैरह भी चलती है, तो वो भी आप शाम को ले सकते हो। एक दिन इस पूरी जगह को कवर करने के लिए शुड बी मोर देन इनफ एंड इट्स अ वेरी हैपनिंग स्ट्रीट, स्पेशली द एरिया अराउंड द डच स्क्वायर। बस पकड़ने का टाइम आ गया है, बट आई मस्ट से इट वॉज इंडीड अ फन डे।